वेलकम वंस अगेन ऑन मिस्टर कुमार क्लास चैनल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट सेकंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइगर किंग चैप्टर कर रहे हैं और उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, उसके फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड वाले पार्ट हैं वो हम कर चुके हैं और हम फोर्थ पार्ट को अब करने वाले हैं। तो अभी तक की स्टोरी क्लियर है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और सीधा सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। हुआ क्या था, महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा ने जो अपनी टाइगर हंटिंग जिसको स्टार्ट कर दिया था वो हाईली सक्सेसफुल चल रहा था। बहुत अच्छे से उनका टारगेट था कि मुझे 100 टाइगर्स जो है वो किल करने हैं, तो ठीक चल रहा था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। और विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स और लगभग 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में उन्होंने 70 टाइगर्स किल कर दिए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि 30 टाइगर्स और किल करने अभी बाकी थे। एंड देन एन अनफोर्सीन फोर होता है जो आगे के लिए होता है, फोरसीन यानी भविष्यवाणी के लिए करते हैं, भविष्य में देखने के लिए होता है, अनफोर्सीन मतलब नहीं देखा गया, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस तरह से एक एक्शन, एक हर्डल जो हुआ, एक हर्डल का मतलब होता है रुकावट, एक परेशानी, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। इनका जो मिशन था ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ये जो मिशन था वो स्टैंड स्टिल मतलब स्टॉपेज या स्टॉप, उनका जो मिशन था ये स्टॉप हो गया। अनफोर्सीन का मतलब क्या था यहाँ पर, जिसका पहले आइडिया नहीं लगाया गया था भाई ऐसा भी हो सकता है। तो अचानक से उनके रास्ते में हर्डल आ गई, परेशानी आ गई और उनका मिशन रुक गया। वो क्या परेशानी थी, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द, जो टाइगर की पॉपुलेशन जो थी जो प्रतिबंधपुरम के अंदर, उस पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ कि वो जो फॉरेस्ट वो प्रतिबंधपुरम के अंदर जो खत्म होने वाली थी। कहने का मतलब है कि प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर्स की जो संख्या थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटर हायरार्की। तो अभी सोच रहे हैं कि अभी राजा सोच रहे हैं कि क्या मालूम, किसको पता है कि टाइगर्स या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बर्थ कंट्रोल यानी परिवार नियोजन जो होता है कि बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो, तो इस तरह से हो सकता है कि या तो उन्होंने ये बर्थ कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है, और कमिटर हायरार्की या शायद उन्होंने हायरार्की जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो देखें कि जो ये हराकिरी है, इसका ये क्या है, ये हराकिरी ये असल में एक जैपनीज एक रिचुअल है, जैपनीज रिचुअल एक तरह की विधि है उनकी, जिसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से सुसाइड करते हैं। और सुसाइड का मतलब कैसे होता है, कैसे सुसाइड करनी है, कि आप अपनी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंतें हैं इंटेस्टाइन, इनको आप बाहर निकाल लेते हो अपनी बॉडी से, इनको इस तरह से एक तरह से शुद्धिकरण का तरीका। कहने का मतलब जानबूझ के आप किसी रिचुअल की विधि से या फिर कह सकते हैं कि भक्ति के हिसाब से आपने अपनी खुद जान ले ली, एक तरह की सुसाइड है। तो या तो हो सकता है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया है और सिंपली रेन अवे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो टाइगर सिंपली यहाँ से भाग गए हैं फ्रॉम द स्टेट, हमारी स्टेट से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। क्योंकि या तो वो क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश के हाथों से ही मरना चाहते हैं, ऐसी उनकी डिजायर्स है कि हम तो ब्रिटिशर्स के हाथों में रहेंगे, उनके हाथों से ही जो है गोली लगेगी तो ठीक है, तो उसके अलावा हम किसी के हाथों से नहीं मरना चाहते, तो शायद इसलिए वो ये स्टेट छोड़कर चले गए हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो जब टाइगर्स मिल ही नहीं रहे, अभी क्या हुआ है कि 70 टाइगर्स तो मार दिए, 30 अभी बाकी है, तुम्हारा टारगेट बाकी है, तो महाराजा को मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, दीवान को बुला लिया। दीवान साहब, आर्ट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या दीवान साहब आपको मालूम नहीं है, क्या इस बात से लेकर आप अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, डू यू हैव नो आइडिया इस फैक्ट के बारे में कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन अभी भी पड़े हैं टू बी शॉट डाउन मेरी इस बंदूक से मारा जाने के लिए। कहने का मतलब इस बंदूक से अभी 30 टाइगर्स और मरने वाले हैं, वो कहाँ है, ही आस्क ब्रैंडिशिंग हिज गन। और उसके बाद तो ब्रैंडिशिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को बंदूक दिखाकर कोई बात करते हो, यानी बंदूक उसने राजा ने क्या किया, दीवान के सामने ऐसे नोक कर दी उसकी, उसका फेस कर दिया, और कहने का मतलब बंदूक दिखाते हुए डराते हुए कहा कि मुझे 30 टाइगर और चाहिए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, वो बेचारा दीवान कमजोर आदमी था, उसने इस गन की साइट को जैसे ही देखा तो शडरिंग कांपने लग गया। द दीवान क्राइड आउट, वो चिल्ला उठा जोर से, यो मैजेस्टी मेरे मालिक, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारो। तो विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन भला वो मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर कहेगा, तो तुम्हें टाइगर कोई नहीं कह रहा। हाँ तो नो एंड आई एम नॉट ए गन, तो वो कहता है नहीं मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जब उसने बंदूक देखी तो उसका दिमाग काम करना बंद कर गया है ना, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं बंदूक भी नहीं हूँ, तो ये इस बात का सेंस तो नहीं बनता, लेकिन वो घबरा गया। यू आर नीदर टाइगर नो गन दीवान साहिब, राजा कहते हैं कि तुम ना तो टाइगर हो ना ही कोई बंदूक हो दीवान साहिब। आई समन यू, मैंने तुम्हें समन किया है। समन क्या होता है, एक ऑफिशियल कॉल होती है, एक ऑफिशियल कॉल, बुलावा जिसको कह सकते हैं, जो कोर्ट से आता है या किसी ऑफिस से आता है उसे कहते हैं ऑफिशियल कॉल।
उसको बोलते हैं समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और उद्देश्य से पर्पज से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, क्योंकि मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं अब शादी करने वाला हूँ। द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर, वो पहले ही बड़बड़ा रहा था बेचारा, अब थोड़ा सा और ज़्यादा बैबल करने लग गया ये बात सुनकर। क्यों? वो कहता है कि मैजेस्टी आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से दो पत्नी है, इफ आई मैरी और अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो इतना वो बोल ही रही था, अभी देखो बात पूरी नहीं की, थ्री डॉट्स शो करते हैं कि अभी वो अपनी बात कर ही रहा था कि राजा साहब अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा तो राजा कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। ये सोच रहा है कि राजा मुझसे शादी करना चाहता है, तो अभी वो बंदूक का खौफ उसके दिमाग से निकला नहीं है, तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि वाई शुड आई मैरी यू, भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो एक टाइगर चाहता हूँ। तो टाइगर अभी वो फिर थ्री डॉट्स, इसका मतलब वो बात कंप्लीट की नहीं है उसने। इतने में वो जो दीवान है वो बीच में बोल पड़ता है कि योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, प्लीज थिंक इट ओवर, आप इस बात पर जरा फिर से विचार करो, फिर से सोचो। योर एंसिस्टर्स, आपके जो एंसिस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, पूर्वज समझते हैं जो पहले के जो दादा परदादा लोग थे, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, वो तो स्वॉर्ड तलवारों से शादी करते थे। पहले कोई राजा वगैरह होते थे जो रणभूमि को ही सब कुछ मानते थे, लड़ाई वगैरह ही करते थे, शादी वगैरह नहीं करते थे, उनके लिए उनकी पत्नी उनकी तलवार ही होती थी, यानी कि उनके तलवार के आगे उनके बीच में कोई नहीं आएगा, फिर इतने पक्के होते थे, वो तो तलवारों से शादी करते थे। इफ़ यू लाइक, और अगर आपको पसंद ही है शादी करनी है मैरी दगन, तो पहले तलवारें होती थी, आप बंदूक से शादी कर लो भाई, इससे पता चलता है कि आप शाही परिवार से हो। लेकिन अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, हमारी इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग जो है वो मोर देन इनफ है, ये काफ़ी है। मतलब आप जो हमारे राजा हो वो किसी टाइगर किंग से कम थोड़ी हो, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो हमें अब फिर इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब हमें किसी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि दीवान समझ रहा है, जब राजा ने कहा था कि मुझे एक टाइगर चाहिए, तो दीवान ने समझा कि राजा जो है वो एक टाइगरस यानी शेरनी के साथ, टाइगर तो वैसे शेरनी नहीं होती, टाइगर का मतलब जो बाघिन होती है, तो मतलब वो सोच रहा था कि बाघिन के साथ टाइगरस के साथ शादी करेगा, तो इसलिए अभी भी वो पागलों जैसी बात कर रहा है। तो क्या हुआ उसकी पागलों जैसी बात सुन के, तो महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ने एक बड़ा लाउड जोर का क्रैक ऑफ लाफ्टर यानी जोर से ठाका लगाया, जोर जोर से हंसने लगा। अब नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और गन, तो राजा उसको क्लेरिफाई करता है कि मैं ना तो किसी गन के साथ ना टाइगर के साथ शादी करने का नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल, लेकिन एक लड़की से शादी करने का सोच रहा हूँ। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के रैंक की हो, यानी इंसानों के परिवार की होनी चाहिए वो, ना कोई शेरनी ना कोई बंदूक, कुछ नहीं, इंसान होनी चाहिए। फर्स्ट एक काम करो, सबसे पहले यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, तुम स्टैटिस्टिक्स तैयार करो। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोई मैप तैयार करना, भी कौन से स्टेट में कितने टाइगर्स है, इस तरह से एक मैप तैयार करना होता है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें डेटा को एनालाइज करना होता है, डेटा तैयार करना होता है। तुम क्या करो, ड्रॉ तैयार करो स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा तैयार करो ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, हमारे इस एरिया के जितने भी दूसरी नेटिव स्टेट्स हैं इसी इलाके की, उसके अलग अलग एरियाज़ के पॉपुलेशन जो हैं वहाँ पर, या फिर वहाँ जो स्टेट्स हैं उनमें टाइगर की पॉपुलेशन को पहले कैलकुलेट करो, भी कौन सी वो स्टेट है जिसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर क्या करना है नेक्स्ट? दूसरा काम ये करो कि यू मे इन्वेस्टिगेट, तुम ये इन्वेस्टिगेट करो, छानबीन करो, इफ़ देर इज़ अ गर्ल, कि क्या उस स्टेट में कोई ऐसी लड़की है आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, जिससे कि मैं उसमें एक रॉयल फैमिली के अंदर उस लड़की से शादी कर सकूं, ऑफ अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस स्टेट के अंदर टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब राजा का सिंपल सा प्लान है कि ऐसी स्टेट ढूंढो जिसमें टाइगर्स की जनसंख्या काफ़ी हो, फिर देखो कि क्या उस स्टेट में कोई प्रिंसेस है क्या, क्योंकि राजाओं वगैरह के ऐसे रूल होते हैं कि उनकी शादी रॉयल फैमिली में ही होते हैं, एक आम लड़की से शादी नहीं होती, तो वो रॉयल फैमिली से ही होनी चाहिए लड़की। तो अगर जिस स्टेट में टाइगर सबसे ज़्यादा है और अगर वहाँ पर एक लड़की मिल जाती है तो वहाँ पर फिर अपने रिश्ता कर लेंगे, क्योंकि फिर वो जवाई बन जाएगा वहाँ का, और जब भी जाएगा तो हर बार दो तीन शिकार तो करके आएगा ही आएगा। इस तरह से उसने प्लानिंग की। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, तो क्या वो फिर दीवान ने तो जैसा राजा ने कहा था उसने वो ऑर्डर्स क्या कर दिए, फॉलो किए, उसे करने ही थे। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, और फिर दीवान को एक राइट गर्ल, एक सही लड़की मिल गई, वो भी ऐसी स्टेट से विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, पजेस्ड का मतलब टू हैव, पजेस करना, रखना, उस स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो महाराजा जंग जंग बहादुर खिल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, तो क्या वो उसके बाद महाराजा की शादी हो गई, उसके बाद जब भी वो अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाता था हर बार 5 से 6 टाइगर्स तो मार के आता था। इस तरह से वो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगा कि वो 100 टाइगर्स तो मारने ही मारने हैं। फिर क्या हुआ, इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था, जो महल था, प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन में, जो मेन जो रिसेप्शन होता है जहाँ पर लोग आते हैं, उस रिसेप्शन की दीवारें जो थी वो एडोन सजी हुई थी, किससे, 99 टाइगर्स की स्किन के साथ,
अब आपने देखा होगा पुराने राजा वगैरह जो लोग होते थे क्या करते थे, जो टाइगर्स वगैरह शिकार करते थे उनकी स्किन को, उनकी खाल को अपनी दीवारों पर सजाते थे। तो इस तरह से राजा के रिसेप्शन में 99 टाइगर्स की खालें उनकी दीवारों को सजा रही थी, सुशोभित कर रही थी। तो कहने का मतलब राजा ने अब तक 99 टाइगर्स मार दिए। तो इसके बाद जो है हमारा फिफ्थ पार्ट यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर क्या होता है। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ओवर 100। अब क्या हुआ था, 99 टाइगर्स तो राजा ने किल कर दिए। अब क्या हो रहा था, राजा की जो एंजाइटी थी, जो चिंता थी, वो क्या कर रही थी, फीवर पिच, एक इतने लेवल पिच तक पहुंच गई कि फीवर जैसा हो जाए। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ओवर 100, 100 का टारगेट था, इस 100 के टारगेट को टैली करने के लिए, टैली का मतलब उसके बराबर आने के लिए सिर्फ एक टाइगर और चाहिए था। लेकिन वो जब नहीं मिल रहा था तो आपको पता ही है, जब लास्ट में बिल्कुल कुछ एंड ही होने वाला हो तब हमारे से सबर भी, वेट भी नहीं होता है। तो राजा पागल हो रहा था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। यही ख्याल राजा को दिन में भी ड्यूरिंग द डे रहता था और उसी ख्याल के बारे में ही राजा को रात को सपना भी आता था। यानी वो दिन रात उठते बैठते बस यही सोचता था। बाई दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और अब तक तो क्या हुआ, जब अपने फादर इन लॉ ससुर के जो पार्क के अंदर या फार्म्स के अंदर खेतों में या जंगलों में जब वो टाइगरों को शिकार कर रहा था, लेकिन वो भी अब क्या हो गए थे, रन ड्राई। रन ड्राई का मतलब क्या होता है, यानी टू एम्प्टी कह सकते हैं, यानी वो खत्म हो गए थे। रन मीन्स जाना, ड्राई मतलब सूखा पड़ना, कहने का मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। अब एक और तो मारना ही था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब तो राजा के लिए टाइगर्स को लोकेट करना, ढूंढना कहीं पर भी इम्पॉसिबल हो गया था, कहीं मिल ही नहीं रहे थे। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। लेकिन अभी भी क्या था, एक टाइगर तो नीडेड, जरूरत थी उसकी। इफ ही कुड कि जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर राजा सिर्फ वो एक सिंगल बीस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर, अगर मार सके, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो उसके बाद फिर महाराजा के दिल में किसी भी तरह का फियर नहीं बचेगा। तो उसके बाद राजा एकदम फ्री माइंड हो जाएगा, कोई टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि फिर जो प्रेडिक्शंस हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी, वो झूठी साबित हो जाएगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। तो उसके बाद राजा क्या कर सकता है, गिव अप, छोड़ सकता है टाइगर हंटिंग को, टाइगर के शिकार को, ऑल टुगेदर मीन्स हैंड टू हैंड, तभी के तभी। उसके बाद फिर कभी जीवन में ही शिकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन राजा को अपने उस लास्ट टाइगर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शन थी कि 99 टाइगर्स तक तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन 100 टाइगर के साथ बड़ा रिस्क रह सकता है, क्योंकि उसी से तो खतरा है। वट है द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। तो अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, तो आपको याद दिला रहे हैं यहाँ पे राइटर, जो ऑडियंस है उसको याद दिलाते हैं कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, याद है ना आपको, क्या कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th, महाराजा को 100वें टाइगर से बी वेयर, संभल कर रहना होगा। ट्रू इनफ, ये सच ही कहा था उसने। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि टाइगर जो है एक सैवेज बीस्ट है। सैवेज का मतलब यहाँ वाइल्ड होता है, जैसे हम सैवेज रिप्लाई करते हैं तो मतलब वाइल्ड रिप्लाई, उसी का मीनिंग है सैवेज बीस्ट, क्योंकि वो एक जंगली बीस्ट जानवर है, तो उसे खतरा तो रहता ही है, कोई बकरी थोड़ी है, उससे हमारी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। सो वन हैड टू बी वेरी ओवे। तो किसी भी व्यक्ति को, वन मीन्स कोई भी जो टाइगर का शिकार करना चाहता है, उसको तो वेरी, बड़ा ही संभल के सावधान रहना पड़ेगा टाइगर से। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर। लेकिन खतरा तो तब होगा जब वो 100 टाइगर मिले। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि वेयर वॉज दैट 100th टाइगर, वो 100वां टाइगर था कहाँ, टू बी फाउंड, कहाँ मिले वो आखिर, मिल ही नहीं रहा था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर। ऐसा लग रहा था, सीम मस लगना ईजियर, ही आसान लग रहा था टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, टाइगर का दूध मिलना आसान था, लेकिन एक जिंदा टाइगर मिलना आसान नहीं था। अब ये बात एग्जेजरेट करके कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि टाइगर मिल जाए नहीं मिल सकता, लेकिन टाइगर का मिल्क मिल सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, बिना टाइगर के तो टाइगर का मिल्क भी नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब बात इतना इम्फेसाइज करके कही गई है कि जिंदा टाइगर मिलना बड़ा ही मुश्किल था, बाकी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम। इस तरह से महाराजा धीरे धीरे ग्लूम, उदासी के अंदर डूब गया, पूरा निराश हो गया, दुखी हो गया बेचारा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। बट सुन, लेकिन जल्दी क्या हुआ, केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम। क्या हुआ, जल्दी ही एक हैप्पी न्यूज आई, एक खुशखबरी वाली एक न्यूज आई, और जिसने उस ग्लूम को, उदासी को डिस्पेल्ड, गायब कर दिया, खत्म कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपीयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उन्हीं के स्टेट से खबर आई कि उनके जो स्टेट के जो हिल साइड विलेज है, यानी पहाड़ी वाला जो इलाका होता है जहाँ गांव बसे होते हैं, वहाँ पर फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा था, टाइम टू टाइम शीप, जो भेड़े थी वो वहाँ से गायब होने लग गई। अब सिंपल सी बात है, अगर पहाड़ी इलाके में भेड़ें गायब हो रही है, इसका मतलब कोई तो उठा के ले जा रहा होगा, तो इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई टाइगर हो सकता है। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेंट, पहले तो ये आइडिया लगाया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर।
पहले तो ये आइडिया लगाया भी पहले कंफर्म कर लो ये काम उनका तो नहीं है कहीं, ये दो कौन है, ये खादर मियाँ साहब ये एक आदमी और दूसरा वीरासामी नायक, ये कौन है, ये दो आदमी है ना इनकी बात हो रही है, बहुत फेम, तो ये दोनों आदमी फेमस हैं फॉर द एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, इन आदमियों के अंदर इतनी एबिलिटी है कि पूरी भेड़ को एक टाइम पे स्वेलो निगल सकते हैं, यानी बड़े बड़े शरीरों वाले आदिमानव टाइप के आदमी थे जो वहाँ रहते थे, तो पहले ये कन्फर्म कर लिया कहीं उनका काम तो नहीं है, कहीं पूरी पूरी भेड़ खा जाते हो, तो जब पता चला भी उनका नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, श्योरली देर वॉज नो डाउट द टाइगर वॉज एट वर्क, कि कोई टाइगर था जो वर्क पे था, काम पे लगा हुआ था, यानी शीप को मारने का काम किसी टाइगर का था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, तो गांव वाले बेचारे बचने के लिए भागते हुए इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचे महाराजा को, महाराजा को बताया भी ऐसी बात है। द महाराजा अनाउंस, उसके बाद महाराजा ने ऐसा अनाउंसमेंट की, घोषणा की कि 3 ईयर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, कि उस गांव को 3 सालों का एग्जेम्पशन छूट मिलती है, किससे, सभी प्रकार के टैक्सेस से, क्योंकि राजा तो खुश हो गया, उसका तो टारगेट पूरा हो रहा था, तो खुश होकर कह दिया अब इस गांव का टैक्स माफ कर दो। एंड सेट आउट, सेट आउट मीन्स रवाना होना, रवाना हो गया ऑन द हंट, शिकार पर, एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए, हैंड टू हैंड वहां से निकल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, लेकिन टाइगर इतनी आसानी से तो कहाँ मिलने वाला था, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था एज इफ इट हैड वॉन्ट ओनली हिड इटसेल्फ, ऐसा लग रहा था कि वो वॉन्ट ओनली जान बूझ कर अपने आप को छुपा रहा था, इन ऑर्डर टू, किस लिए, ऐसा क्या वो लुकन छुपाई खेल रहा था, क्यों ऐसा कर रहा था, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, ऐसा लग रहा था कि वो महाराजा की जो विल, जो इच्छा थी कि वो 100 टाइगर मारना चाहता था, उसका फ्लाउट, मजाक उड़ा रहा था, यानी वो टाइगर को, टाइगर जो था वो महाराजा को मिल ही नहीं रहा था। अब महाराजा इतना बेचारा इंपेशेंट हो रहा है, उससे सबर नहीं हो रहा कि एक टाइगर और मारूं, लेकिन वो आखिरी टाइगर ही इतना नाटक कर रहा है तो मिला ही नहीं वो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा ने भी तो इक्वली, अगर वो टाइगर डिटरमाइंड था कि मैं तो नहीं आऊँगा सामने, तो महाराजा भी इक्वली उतना ही डिटरमाइंड था, पूरा डिटरमाइंड कर लिया, विश्वास एकदम पक्का कर लिया कि ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, कि महाराजा ने मना कर दिया कि मैं फॉरेस्ट छोड़ के वापस नहीं जाऊँगा अंटिल, जब तक कि द टाइगर वॉज फाउंड, वो टाइगर ना मिल जाए मुझे। As the days passed, और दिन गुजरते गए, लेकिन टाइगर तो मिला ही नहीं। द महाराजा's फ्यूरी एंड obstinacy mounted alarmingly, तो महाराजा का जो फ्यूरी, जो गुस्सा था, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, एंड obstinacy मीन्स जो राजा की जो obstinacy, मतलब जिद जो थी, वो माउंटेड, माउंट जैसे माउंटेन होता है, माउंट मतलब चढ़ना भी होता है, मतलब बढ़ती गई अलार्मिंगली, और इस तरह से बढ़ गई कि अलार्मिंग, अलार्म मतलब होता है चौंका देने वाले तरीके से। सबको डर लग रहा था कि महाराजा क्या करेगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, कई ऑफिसर्स को अपनी जॉब और जो लॉस्ट करनी पड़ी, क्योंकि महाराजा गुस्से में था, वो लोगों को जब अपना एम नहीं अचीव कर पा रहा था तो लोगों को अपने जॉब से बाहर कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज हाइट, रेज मतलब गुस्सा, जब एक दिन महाराजा का गुस्सा अपनी एकदम पीक पर, हाइट पर था, यहाँ पर हाइट पर, तो क्या हुआ, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे कहा टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि उस गांव का, कौन सा गांव, जिसमें पहले 3 साल का टैक्स जो था वो माफ किया था, अब क्योंकि महाराजा को गुस्सा आ गया, तो उसने कहा भी इसी फोर्थविथ, मतलब फ्रॉम राइट अवे, राइट अवे मतलब अभी से ही क्या करो, इस गांव का जो टैक्स है वो क्या कर दो, डबल कर दो, दुगना कर दो, दोगुना कर दो, अब क्योंकि राजा को गुस्सा आ गया था। तो जब राजा ने ऐसे कहा तो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, ये किसने कहा, ये दीवान ने आगे से कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो लोग जो हैं वो डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट हो जाएंगे, असंतुष्ट, आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, एंड देन आर स्टेट, और हमारा ये स्टेट जो है ये भी टू विल फॉल, ये गिर जाएगा अपने एक शिकार के जैसे, जैसे कोई शिकार होता है, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि तो मालूम है कि देश आज़ाद हो रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, पार्टी सभी स्टेट्स को एक साथ मिलाकर भारत एक देश बना रही थी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। तो राजाओं को डर था कि हमारी स्टेट, क्योंकि लोग ही जब हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारी स्टेट पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, ये एक शिकार जैसे, जैसे एक बकरी जो शिकार होती है वो टाइगर के जंगल में पड़ती है, उसके दांतों में फंस जाती है, वैसे ही हमारा स्टेट भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने गिर जाएगा, फेल हो जाएगा। इन दैट केस, तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, इन दैट केस, तो ऐसा केस है, तो ऐसी बात है, तो यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि तुम फेल हो गए वो टाइगर ढूंढने में, 100वां टाइगर अरेंज करने में फेल हो गए, तो फिर तुम दीवान किस काम के हो। सैड द किंग, द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, तो दीवान अपने घर चला गया और कन्विंस था वो इस बारे में, बिल्कुल श्योर था दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराजा को अपना टाइगर जल्दी नहीं मिला ना, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो उससे जो आने वाले रिजल्ट हैं वो काफ़ी कैटास्ट्रोफिक, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि भयानक हो सकते हैं रिजल्ट, तो राजा पागल हो सकता है, इससे पहले इसको टाइगर ढूंढ के दो कहीं से। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, और दीवान को ऐसा महसूस हुआ कि लाइफ जो है रिटर्निंग टू हिम, उसको वापस आ गई, यानी उसकी सांस में सांस आई, कब, ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उसने एक टाइगर देखा विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जो कि कहाँ से लाया गया था, ब्रॉट फ्रॉम, कहाँ से लाया, पीपल्स पार्क, पीपल्स पार्क इन मद्रास,
मद्रास से पीपल्स पार्क, पीपल पार्क जो होता है वो जू भी हो सकता है या कोई सर्कस भी हो सकता है, यानी सर्कस वगैरह जू में जो टाइगर्स पड़े होते हैं बेचारे कमजोर से, ऐसा कोई टाइगर मंगवाया किसी से एंड कैप्ट हिडन इन हिज हाउस और अपने घर में छुपा के रखा, ये बात बतानी नहीं किसी को। फिर क्या हुआ, एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब आधी रात को पूरा का पूरा टाउन गहरी नींद में सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज वाइफ, दीवान अपनी एज्ड बूढ़ी पत्नी के साथ ड्रैग द टाइगर, टाइगर को ड्रैग करके घसीट के ले गए टू द कार, कार की तरफ एंड शूट इट इन टू द सीट, शूट का मतलब धकेलना, शूट करना, और उसको सीट के अंदर यानी गाड़ी के अंदर बिठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, तो दीवान खुद उस दिन गाड़ी को ड्राइव ड्रो सेकेंड फॉर्म करके ड्राइव करके सीधा स्ट्रेट फॉरेस्ट में ले गया, क्योंकि नौकरों को नहीं बता सकता, नहीं तो कल राजा को पता चलेगा कि वो टाइगर तो कहीं और से लाए थे तो उसका बाद में बड़ी टेंशन हो जाएगी, तो नहीं बता सकते, तो खुद चुपके से गया। वहाँ गया फॉरेस्ट में वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहा था, जहाँ महाराजा ने अपने तंबू डाला हुआ था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और वो जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने तो भाई अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, यानी वो तो सत्याग्रह जैसे आंदोलन में बैठ जाते हैं ना आंदोलन पे सड़क पे, वैसे ही वो उसने लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया, मतलब टाइगर तो उसने तो गाड़ी से उतरने से ही एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, टाइगर ने गाड़ी से नीचे उतरने से मना कर दिया, कहने का मतलब वो वैसे भी बड़ा बूढ़ा था, कमजोर था, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, द दीवान वो थोरोली एग्जॉस्टेड, दीवान जो था वो थोरोली मतलब पूरी तरह कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था इस अटैम्प्ट में, टाइगर नीचे आ ही नहीं रहा था। इन इज एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के साथ टू होल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, जिससे कि कार को, सॉरी उस बीस्ट को वो कार से नीचे होल कर सके, होल का मतलब क्या होता है, जैसे अनलोड करना, यानी ट्रक में जब माल भरते हैं तो वो अपलोड होता है या लोड होता है, उसको अनलोड करना, यानी उस टाइगर को नीचे उतारने में वो बड़ा थक गया था, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, लास्ट में उसको पुश करके नीचे जमीन पर पटक दिया, ग्राउंड पर, और उसके बाद वहाँ से चला गया। तो फिर होना क्या था, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर, वही बेचारा बूढ़ा टाइगर वॉन्डर्ड, भटकता भटकता इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की प्रेजेंस में आ गया, जहाँ महाराजा शिकार का वेट कर रहा था वहाँ पहुँच गया। अब वो बेचारा जू से निकला हुआ था, उसे क्या मालूम मैं कहाँ गया, भटकते भटकते वो भी कंफ्यूज था, महाराजा की प्रेजेंस में आ गया एंड स्टूड, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे एज इफ, जैसे मानो इन हम्बल सप्लिकेशन, कि वो अपने आप को हम्बली विनम्रता के साथ सप्लाई कर रहा है कि लो जी मैं आ गया, मार लो मुझे गोली। मास्टर, जैसे कि वो कह रहा हो कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए आप, मेरे लिए आपके पास क्या कमांड है, क्या आदेश है मेरे लिए, बताओ मुझे। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, लेकिन राजा के लिए बाउंडलेस अनलिमिटेड जॉय की बात थी। द महाराजा टू केयरफुल एम, कि महाराजा ने एक बड़ी सावधानी से एम लिया, निशाना साधा एट द बीस्ट, उस जानवर की तरफ, द टाइगर गोली चला दी, द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर फिर क्या हुआ, नीचे गिर गया, हीप मतलब ढेर, क्रम्पल्ड का मतलब होता है बेढंगा सा, टेढ़ा मेढ़ा, अब जब नीचे गिरेगा मरेगा तो ऐसा थोड़ी है आराम से सभ्य तरीके से गिरेगा, तो उसका मुंह इधर है, टांगे उधर है, इस तरह से ना टेढ़ा मेढ़ा होकर वो तो एक ढेर के रूप में गिर गया। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी जो कसम थी वो क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई, पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो था वो बहुत ज़्यादा खुशी की भावना से ओवरकम हो रहा था, भाव विभोर हो था, भाव विभोर हो रहा था, कहने का मतलब राजा बहुत खुश हुआ। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट, और राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया कि टाइगर को लाया जाए, ब्रॉट लाया जाए टू द कैपिटल, कहाँ पर, हमारे स्टेट की राजधानी में, वो भी इन ग्रैंड प्रोसेशन, बड़ा सा एक प्रोसेशन करो, जुलूस निकालो ढोल नगाड़ों के साथ, इसकी डेड बॉडी को हमारी स्टेट में लेके आओ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे महाराजा ने भविष्यवाणी गलत कर दी, कितना पावरफुल है। द महाराजा हैसन अवे इन दिस कार, और इस तरह से वो महाराजा जो था अपनी कार में बैठा और हैसन मीन्स फास्ट स्पीड के साथ वापस अपने महल की तरफ चल गया। तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा जब वहाँ से चला गया, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो वहाँ हंटर्स थे वो उसके क्या हो नज़दीक गए, टाइगर के थोड़ा नज़दीक गए ताकि वो उसको क्लोजर लुक पास से देख सकें, भाई मर गया कि नहीं मरा। द टाइगर लुक बैक एट देम, और जब उन्होंने उस टाइगर को देखा तो टाइगर ने आगे से लुक बैक उनकी तरफ वापस देखा, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आँखें रोलिंग करते हुए घुमाते हुए इन बैफलमेंट, बैफलमेंट मतलब होता है हैरानी के साथ, चक्कर आ रहे थे उसे, कहने का मतलब वो टोटली सरप्राइज, उसे मालूम नहीं था भी मेरे साथ हो क्या रहा है, तो उसने वापस से देखा। द मैन रियलाइज दैट, तब उस आदमी ने रियलाइज किया, हंटर्स ने रियलाइज किया दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर तो मरा ही नहीं, वो तो जिंदा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, हुआ क्या था, बुलेट ने अपना निशाना मिस कर दिया था, गोली उसको लगी नहीं, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक, वो बेचारा टाइगर तो शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास, जब गोली उसके पास से विजिंग विज साउंड यानी एक कहते हैं ना वाइब्रेशन करती हुई निकली, तो उसके शॉक से ये बेचारा फेंटेड बेहोश हो गया था, मरा नहीं। पर द हंटर्स वॉन्डर्ड, अब हंटर्स सोच रहे थे कि व्हाट दे शुड डू, हम क्या करें। दे डिसाइडेड दैट, तो उन्होंने डिसाइड किया दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया, क्यों, इफ इट डिड, अगर उनको पता चला दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो इनकी नौकरी जा सकती है।
तो ऑन द हंटर्स, तो सॉरी वन ऑफ द हंटर्स, तो उन दोनों में से एक हंटर्स ने, वहाँ दो हंटर्स थे, उसमें एक हंटर्स ने टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ वन फुट, एक फुट के डिस्टेंस से निशाना लिया एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उन्होंने बिना गलती किए टाइगर को मार दिया था। तो फिर क्या हुआ, देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने कमांड की थी, एक ऑर्डर दिया था, द डेड टाइगर, वो मरा हुआ जो टाइगर था, वो टेकन इन प्रोसेशन, बड़े से प्रोसेशन के अंदर, एक जुलूस जिसको कहते हैं, एक जुलूस के अंदर उसको स्टेट के अंदर लाया गया, थ्रू द टाउन, पूरे टाउन के अंदर से, एंड बरीड, और लास्ट में दफना दिया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्टेड मतलब खड़ा करना यानी बनाना, तो उन्होंने एक टॉम्ब, एक क्या होता है टॉम्ब का मतलब मकबरा, उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक बिल्डिंग बना दी, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले हमारे महाराजा ने कितना महान काम किया था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वो सेलिब्रेटेड, महाराजा का जो बेटा हो गया था उसका तीसरा बर्थडे आ रहा था। अंटिल देन, अब तक द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, अब तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग, कहने का मतलब पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान जो था वो टाइगर हंटिंग पर लगाया हुआ था। ही हैड हैड नो टाइम, इससे पहले उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब अलग से निकालना, फॉर द क्राउन प्रिंस, अपने बेटे के लिए अलग से टाइम निकालने का कभी मौका ही नहीं मिला। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा अटेंशन किसकी तरफ कर लिया, टू द चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ, अब पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देगा। ही विश्ड, उसने ऐसा विश किया टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, राजा ने सोचा कि मैं इसको कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा आज। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, फिर महाराजा बच्चे के साथ शॉपिंग सेंटर्स में गए इन प्रतिबंधपुरम, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर दुकान पे जाके सर्च किया, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन किसी भी दिमाग सॉरी दुकान में उनको कुछ भी सुटेबल उचित चीज़ नहीं मिली। तो फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, और लास्ट में जाकर एक दुकान में उनको एक वुडन लकड़ी का बना हुआ टाइगर, कहने का मतलब एक टॉय, एक खिलौना मिला उनको। फिर क्या हुआ, इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, तो महाराजा ने सोचा कि ये जो गिफ्ट है ये सबसे बढ़िया है। तो उसके बाद क्या होता है, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली टू आनाज, असल में वो जो टॉय था उसकी कीमत जो थी टू आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी टू वन बाई फोर आनाज थी। अब एक आना जो होता है वो ब्रिटिश करेंसी, जो पुराने भारत की करेंसी है, जिसका एक रुपए का 1/16 पार्ट था, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 16 पैसे एक आना में, तो दो आना में कितने हुए 16 × 2 कितने हुए 32, और उसके बाद 1/4 यानी 16 का भी 1/4 कितना हुआ 4 आना, तो 32 प्लस 4, तो कुल मिला के 36 पैसे का वो क्या था टॉय था। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ ही क्वोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर उसने महाराजा को इतना कम प्राइस कोट किया, अगर बताया, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो इस दुकानदार को इमरजेंसी के रूल के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। इमरजेंसी जब भी लगती है किसी देश में, जैसे भारत में भी लगी थी, तो उसमें क्या होता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी आपको राइट है कि आप पुलिस पकड़ती है तो आपको वकील करने का हक होता है, लेकिन इमरजेंसी में कोई रूल आपका काम नहीं करता, सब फेल हो जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा, और सीधी आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से उसने सोचा। सो ही सेड, तो उसने सोचा सॉरी कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, उसने अब गोली देना शुरू किया महाराजा को कि ये आप जो खिलौना देख रहे हैं कोई आम खिलौना नहीं है, ये तो बड़ा एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप मतलब कारीगरी, ये तो कारीगरी का बहुत ही कमाल का नमूना है, और बार्गेन एट 300 रुपीज़। और फिर उनका सौदा कितने रुपीज़ में हुआ, वैसे तो वो टू अनाज एंड वन क्वार्टर का ही था, सॉरी क्वार्टर का था, लेकिन 300 रुपीज़ के अंदर ये सौदा तय हो गया। तो राजा ने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो ये तुम्हारी तरफ से हमारे क्राउन प्रिंस के लिए एक ऑफरिंग तोहफा, फिर इसको दे दो, यानी वो भी फ्री में ले गया राजा। सेड द किंग एंड टू किट अवे विद हिम, और खिलौना वहाँ से ले गया, वो फ्री में एक रुपया भी नहीं दिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन वो फादर एंड सन दोनों ही क्या कर रहे थे, उस लकड़ी के टाइगर के साथ, जो टाइनी छोटा सा टाइगर था उसके साथ खेल रहे थे। फिर क्या हुआ, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब हो था क्या कि वो जो टॉय था ना उसको जिसने भी तैयार किया था, जिसने भी उस पर वर्क किया था, कार्व्ड का मतलब होता है उसको कार्विंग्स देना, उसको डिजाइंस देना, वो बड़े ही अनस्किल्ड एक नासमझ आदमी ने, कारपेंटर ने काम किया था, तो उसको बहुत सुंदर तरह से उसको पॉलिश नहीं किया था, जिस वजह से क्या था, इट सरफेस वॉज रफ, उसकी सरफेस जो थी वो काफ़ी रफ थी। टाइनी सिल्वर्स और वुड के जो सिल्वर्स होते हैं, सिल्वर्स क्या होते हैं, जब लकड़ी में से छोटे छोटे जो तीखे जो नुकुले चीज़ें जो पार्ट्स होते हैं वो निकले हुए होते हैं, जो चुभ जाते हैं वो निकले हुए थे। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, जैसे कोई कांटे निकले होते हैं उस तरह से वो ऑल ओवर उस पूरे खिलौने पर निकले हुए थे। तो क्या हुआ कि वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उन्हीं सिल्वर्स में से लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें से क्या हुआ, महाराजा के राइट हैंड को एक पियर्स कर गया, यानी उसमें चुभ गया।
ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा एक्शन था, इसमें घबराने वाली बात क्या थी। तो महाराजा के राइट हैंड में लगा तो उसने लेफ्ट हैंड से बाहर निकाल दिया एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलना कंटिन्यू रखा। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड। फ्लेयर्ड का मतलब होता है भड़कना, यानी बढ़ जाना, स्प्रेड होना। तो क्या हुआ, जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के हाथ में भड़क गया। इन 4 days, और 4 दिन के अंदर क्या हुआ, इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। वो डेवलप होकर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, वो किस तरह का बन गया, एक घाव बन गया जो जिसमें पस पड़ जाती है और काफ़ी दर्दनाक। तो काफ़ी दर्दनाक और पस वाला वो एक घाव बन गया, पूरी आर्म के अंदर फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। तो क्या होना, राजा को बचाना तो था, तो 3 famous surgeon जो थे डॉक्टर्स, वो मद्रास से बुलाए आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की, मीटिंग्स की डॉक्टर्स ने, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और फिर डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, तो ऑपरेशन भी हुआ। द 3 surgeons हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। 3 doctors जिन्होंने जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म किया था, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है। यानी कहने का मतलब डॉक्टर्स की क्या मिस्टेक है, डॉक्टर ने तो जो ऑपरेशन करना था वो पूरा 100% सही किया, लेकिन महाराजा जो था वो आखिरकार मर ही गया। इन दिस मैनर, इस तरह से हमने देखा, द 100 tiger took its final revenge upon the tiger king, कि वो जो 100वां टाइगर था ना, उसने आखिरकार राजा के ऊपर अपना जो रिवेंज, जो बदला था, वो वास्तव में उसने ले ही लिया। तो कहने का मतलब जो डेस्टिनी थी वो फाइनल वही हुआ जो होना था। तो आप कितनी भी कोशिश करें, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप जीतने की कोशिश करो अपने भाग्य से, है ना। तो इतिहास में ये बताया गया कि राजा ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके एनिमल्स को किस तरह से मारा, लेकिन जो जैसा लिखा था, जैसा भाग्य में होना था वही हुआ, और आखिरकार राजा जो था वो मारा गया। तो ये हमारा चैप्टर था द टाइगर किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार।